Hello, I'm Mariam and you are watching One India News. The Yogi Adityanath government completed its 100 days. While addressing the media over completion of 100 days by the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath highlighted the initiatives taken by his government for the safety and empowerment of women. The government claimed that after the formation of anti-Romeo squad, women in Uttar Pradesh now feel much safer and at ease. सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित केंद्रीयकृत कॉल सेंटर के माध्यम से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। 181 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर 24 घंटे में किसी भी समय कॉल करके कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। 181 हेल्पलाइन के तहत 64 रेस्क्यू वाहन को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 75 जिलों में अब तक ये वाहन महिलाओं की सहायता के लिए उपलब्ध हो गए हैं।